भैया का मतलब वो नहीं था जो आप समझिए, वो तो बस फायजा की हेल्प करना चाह रही थी। तुम फौरन तारीफ शुरू कर दो अपनी बीवी की, एक मैं ही जा रही हूँ जिसको कुछ नहीं आता। तुम सब तो 30 मार खान। जब तक मेरी जेब भरी थी फराज साहब करते तुम्हारी जबान नहीं थकती थी, और अब जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे मेरी औकात याद दिलाई जा रही है, ये रवैया रखा जा रहा है मेरे साथ। तुम्हें समझ में आया क्यों तुम्हारी जल्दी शादी करवाई थी हमने? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं करते तो पता नहीं क्या करती तुम। किस लिए चुप हो, बोलो, मुंह बंद करके खड़ी मत हो, मैं कह रहा हूं तुमसे, बोलो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े सो, दूर रहे। वो क्या गया यार आप लोगों को? मैं जानता हूं हमजा को, और मैं ये भी यकीन से कह सकता हूं कि एनी बेकसूर है। आज जानते हैं आप लोग हमारे माहौल के बारे में। हाँ, मैंने इस बात पे पर्दा इसलिए डाला क्योंकि ये बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती है। हर लड़की से सब सुकून से तमीज से बात करते हैं। हैनी और हमजा भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करें इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। ईमन का तो वैसे ही दिमाग खराब है, उसको खुदा का वास्ता बोले कि हमारे मामलात से दूर रहे। तुम पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस तरह इसका लड़कों से बात करना तुम्हें ठीक लगता है? मैं बस इतना जानता हूँ कि हम एनी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, और ये बात आप लोग भी सुन लें कि कोई भी एनी पर उंगली उठाएगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़ा शौक था ना आप लोगों को कि शादी कर लो, बड़े हो जाओ, जिम्मेदारी उठा लो, तो कर ली शादी, हो गए बड़े, उठा ली जिम्मेदारी, खुदा का वास्ते हमें अकेला छोड़ते और दूर हो जाए हमसे। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी मेरी बीवी के ऊपर उंगली उठाएगा इसका हक मैं किसी को नहीं दूंगा। समझ रहे? नहीं समझ रहे? चलो। रो रही हो? मैं चिप्स लेके आता हूँ। अभी जो तुमने मेरे लिए किया ना, पहचान में नहीं आ रहे थे तुम मेरे। मुझे लगता था कि तुम ना अब बाकी मर्दों की तरह, जब से मैंने होश पाला मैंने यही देखा है कि लड़कियों को कंटेनर में खड़ा किया जाता है, इसलिए हमेशा उनके खिलाफ होता है। सब पूछा भी नहीं जाता कि अगर वो सही है या गलत। कभी थोड़ा सा ऐसे नहीं होने तो पहली दफा मैंने किसी शोर इसके विवेक पर ढाल बनते हुए देखा। थैंक यू अगर तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते, मुझ पर यकीन नहीं करते तो पता नहीं मेरे साथ वहां क्या हो जाता। बहुत खुश ऐसी लगता हूँ मेरे साथ खड़े हो। एक बात बोलूं, रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो जान।
पानी लेके आऊं? जो आज तुमने मेरे लिए किया ना, इसके बाद तुम्हारी इज्जत मेरी आंखों पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझ पर हमेशा ऐसे यकीन रखना, तुमसे बात करती हूँ मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी। Hey, मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूं जो दूसरों की बातों पर यकीन कर ले। तुम बड़े हुए यार, साथ में जानता हूं तुम्हें, मुझे पता है तुम कैसी हो। तो जिंदगी में मुझे कभी भी मौका मिलेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पता नहीं मौका कितनी बार मिलेगा, हर बार ही का वादा नहीं कर सकते। वो पानी लेके आता। अम्मा, क्या इस घर के सारे तौर-तरीके बदल गए? हर बंदे यहाँ खुद मुख्तार है, बच्चे अपने फैसले कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बड़ों का रोब खत्म हो गया और बच्चों की जुबानें चलने लग गई हैं। क्यों शोर मचा रही हो फैमी? कोई फायदा है? सुना नहीं तुमने कि फाखिर ने क्या कहा कि अपने और अपनी बीवी के मामले वो खुद देखेगा? ऐसे कैसे खुद देख लेगा, वो तो बच्चा है अभी, उसे क्या पता कि ये मामला कितने नाजुक होते हैं। अम्मा, आपको तो समझाना चाहिए था और एनी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए थी। कैसी बातें कर रही हो फैमी? आखिर अब एनी का शौहर है, समझी ना, हम सबसे ज्यादा उसका हक है एनी के ऊपर। और कितना हम लोग कह सकते हैं, कह तो दिया जितना कह सकते थे, और कितना बोझ डालेंगे उसके ऊपर? अगर ऐसा किया ना तो ऐसा ना हो कि वो एनी की हिमायत में हम सबके खिलाफ हो जाए। तो अम्मा, फिर बिठा के समझाए और उसे थोड़ी गैरत दिला, क्योंकि ये सिर्फ उसका जाति मसला नहीं है, ये हम सबके खानदान की इज्जत का मसला है। और समीना भाभी, एनी तो बहुत चालाक निकली, कैसे फायर को अपनी उंगलियों पे नचा रही है, उसकी आंखों पे कैसे पट्टी बांध दी उसने। अगर अभी नहीं समझाया ना उसे तो आगे चल के बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हमारा मसला नहीं है, फाखर का मसला है, वो शादीशुदा है और इन दोनों को अपने मसले खुद ही हल करने चाहिए, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी। अगर फाखर एनी की तरफदारी कर रहा है तो आप सब लोग को इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि ये तो शिकायत थी आप सब लोगों को कि ये दोनों अपने रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे। लेकिन अगर इस वक्त वो अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है तो इसमें मसला क्या है? हाँ हाँ, तुम तो साथ दोगी, तुम्हारी बेटी जो है। लेकिन अम्मा, आप ऐसे खामोश नहीं रह सकती, आप बात करें फाखिर से। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एनी का घर से बाहर निकलना बंद करें, बिठाए उसे घर पे। कैसी बातें कर रही हो फैमी? फाखिर कभी इस फैसले को नहीं मानेगा, बीवी का जो होकर रह गया है वो। इतना मना किया था, इन्हें इतना मना किया था कि एनी को इतनी ज्यादा छूट मत दो, लेकिन नहीं, इन्हें तो मॉडर्न सास बनने का शौक था, अब भुगत दो। आप सब लोग एक ही रुख क्यों देख रहे हैं इस तस्वीर का? अगर फाखिर एनी पर यकीन कर रहा है तो इसमें कोई तो सच्चाई होगी, एनी शायद गलत ना हो ये भी तो सोचे। और एक शौहर अपनी बीवी के साथ खड़ा है, ये बच्ची पर इल्जाम लगाया जा रहा है, वरना फाखर सबके सामने इस तरह एनी की तरफदारी नहीं करता, नहीं खड़ा होता उसके साथ। अच्छा, तो क्या मेरी अमन झूठ बोल रही है और वो तस्वीरें वो भी झूठ थी, या आप भी एनी की तरह हम सब की आंखों में पट्टी बांधना चाह रही है? फाखिर को अगर नहीं समझाया ना तो हम सबको बहुत पछताना पड़ेगा, खास तौर पे फाखिर को। तौबा तौबा तौबा,
हद हो गई, एनी ने तो इंतहा कर दी अभी। अब एनी ने तो जो करना था कर लिया, फायजा के बारे में भी कुछ सोच लें। इनका क्या कहना चाहती? देखिए, एनी शादीशुदा है, कुछ करेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, उसका हस्बैंड जिम्मेदार है। पर फायजा छोटी है, बच्ची है भी, और हमारी जिम्मेदारी इसी घर में है। स्कूल जाती है, कोई ऊंच नीच हो गई तो? तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, मुझे लगता है हमें फायजा का भी रिश्ता कर देना चाहिए। आपकी बीवी से तो बच्चों की परवरिश होने से रही ना, आप जानते हैं वो कैसी है, कैसी तरबियत की है उसने। पर आप तो बाप हैं, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अभी घर में शोर मच जाएगा। एक फायजा की इतनी जल्दी शादी, कोई राजी नहीं होगा। इस घर में वैसे भी तो इतना शोर मचता है, हर वक्त हर बात पे मचता है। अभी हर आप बाप है उसके, सबसे ज्यादा हक आपका है उस पे। आपकी बीवी की तो कोई सुनता है नहीं, और ना सुननी चाहिए किसी को। और समीना भाभी, उनका क्या राइट बनता है फायजा पे? और अम्मा की फिक्र ना करें, उन्हें मैं संभाल लूंगी। सब ठीक है, वो ठीक है वो बात। लड़का कहाँ से लाएंगे? वो शरीफ लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल? मैं जानती हूँ एक बंदी को, शायदा नाम है उसका। जहाँ तक मैंने सुना है बहुत अच्छे रिश्ते कराती है वो। कहेंगे तो बुला लूँगी, उससे बात कर लेंगे, और फायजा भी देख लेगी। ठीक है। आयशा, मुझे पता है भाभी आप क्या बात करने आई हैं, फाखिर और एनी के बारे में। सबके सामने मुनासिब नहीं लगा मुझे बात करना, इसलिए अकेले मैं बात करने आई हूँ। तुम माँ हो एनी की, और मैं चाहती हूँ कि तुम एक सेकंड भाभी, एक मिनट, पहले आप मेरी एक बात का जवाब दें। आपको लगता है मेरी एनी झूठ बोल रही है? आपको लगता है एनी ऐसा कर सकती है? पाला है आपने उसे, फिर क्यों मान रही है सबकी बातों को? देखो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गलत है कौन सही है। एनी पर उंगलियां उठ चुकी हैं, उस पर इल्जाम लग चुका है। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो सही है क्या गलत? देखो आयशा, तुम्हें उसे समझाना होगा। अच्छा तो क्या करूं मैं, क्या चाहती हूँ मैं? फाखर को भी समझाना चाहती हूँ, लेकिन अभी उससे बात नहीं कर रही मैं, गुस्से में है वो। जज्बाती होता है तो किसी की बात नहीं सुनता है वो। समझाऊंगी मैं उसे। तुम्हें एनी को समझाना है, ये मनमानियां छोड़नी होंगी उसको। एनी ने अपनी मनमानियां की ही कब है भाभी? तो चाहती क्या हो तुम? तुम्हें लगता है सब सही है? भाभी, फाखर को एनी पर यकीन है, मुझे एनी पर यकीन है, आपको भी एनी पर यकीन होना चाहिए, लेकिन आप सबकी बातों में आ रही हैं। क्योंकि मैं अंधी और बेवकूफ नहीं हूं। सुनना चाहती है तो सुनो फिर। मैंने अपनी इन आँखों से उस हमजा को इस घर के चक्कर लगाते हुए देखा है। क्यों 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 मंडराता है इस घर के इर्द गिर्द? हाँ तो बचा होगी ना। मुझे तो लगता था आपको अपने बेटे पर फख्र होगा। खुश होंगी आप फाखिर को इस तरह देखकर? जिस चीज को और जिस बात को आप और मैं जिंदगी भर तरसते रहे, अपनी बीवी के लिए कर क्या? जलन तो नहीं हो रही आपको? पर क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या बोल रही हो तुम? मासूम है वो, बेवकूफ है, उसको समझ नहीं आती ये दुनिया की बातें नहीं जानता वो, ये गहराइयां, ये उसको समझ नहीं आती है।
नहीं भाभी, एक फाखिर ये है जिसकी मासूमियत इन सब के झूठ का शिकार नहीं हुई। अगर उसका दिल मैला होता तो सबकी बातों में आ जाता, झूठा होता ना तो सबके झूठ मान लेता। फख्र है मुझे फाखिर पे। तुम नहीं समझाओगी अनी को। मेरा ख्याल है भाभी ये मियाँ और बीवी के आपस की बात है तो आपस में ही रहने दी जाए। आ गए इनके अम्मी पापा? नहीं बेटा, अभी कहाँ आने वाली हैं तुम्हारी अम्मी। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ। मैं कॉल करके पूछती हूँ अम्मी से। बेटा, दूसरों के मामलात से दूर रहने में ही बेहतरी होती है। तुम्हारी अम्मी तो ना समझे लेकिन तुम तो समझदार हो। एनी तुम्हारी कजन है, तुम्हारी बहनों की तरह, तुम्हें उसके भले के लिए सोचना चाहिए। जी पापा। अरे अम्मी आ गई। हाँ, क्या हुआ वहाँ पे? क्या कहा सबने एनी को? तुम्हें क्या बताऊँ मैं, सब बहुत गुस्सा आ रहे थे एनी पे। मैंने भी एक एक को जाके तस्वीर दिखाई, सबने खूब बातें सुनाई एनी को। अच्छा, मामू और नानी तो बहुत गुस्सा हो गए होंगे, सजा भी दी होगी एनी को, और फाखिर तो बात ही नहीं कर रहा होगा। फाखिर तो आज अलग ही रंग में था, सबके सामने खड़ा हो गया अपनी बीवी की हिमायत में, सबको चुप करवा दिया, किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया। क्या फाखिर ऐसे कैसे कर सकता है, उसे तो गुस्सा होना चाहिए था। इसी बात पे तो मैं भी हैरान हूँ, किसी भी शौहर को बीवी की ऐसी बातें पता चले तो वो तो अपने आपे से बाहर हो जाए, और यहाँ तो उल्टा था। फाखिर को किसी की बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था, वो तो अपनी बीवी की हिमायत में सबके सामने खड़ा हो गया, किसी को कुछ बोलने नहीं दिया। मैंने तो खूब कोशिश की लेकिन किसी को परवाह नहीं थी उस घर में। लेकिन मामू, बड़ी मामी, नानी, किसी ने तो गुस्सा किया होगा ना एनी पे। अरे फाखिर ने किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया, सब कुछ चुप करवा दिया, कहने लगा मेरी बीवी मैं खुद देख लूंगा। उस घर की इज्जत का मामला है, मैंने सबको समझाया लेकिन किसी को परवाह नहीं थी वहां पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, फाखिर ने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया, काफी समझदार हो गया फाखिर। आप ना हमेशा अजीब ही बात कीजिएगा, अगर अभी इस लड़की को नहीं रोका ना तो पूरे खानदान की इज्जत को डुबो देगी ये। फाखिर तो बच्चा है, ना समझ है, लेकिन मैं इतनी आसानी से इस मामले को खत्म नहीं होने दूंगी। तुम भी अजीब हो, या तो ज्यादातर नाराज रहती हो या घर नहीं जाती। हाँ, ऐसा कोई मसला आ जाता है तो माचिस की तीली की तरह आग लगाने पहुंच जाती है। दूसरों की फिक्र छोड़ो, अपने घर की इज्जत की फिक्र करो। क्या मतलब है आपका इस बात से? तुम ये सब बातें ईमान के सामने कर रही हो और तो और उसको इसमें इन्वॉल्व भी कर रही हो, जरा भी अंदाजा है इन सबका क्या असर पड़ेगा उसके जहन पर? वो मेरी बेटी, बहुत समझदार है, मैंने परवरिश की है उसकी, और इन सबसे ना वो कुछ ना कुछ सीखेगी। दूसरों के मामलों में घुसना या उधर जाके मजीद फसाद फैलाना, यही सीखेगी वो। आपसे तो किसी भी मामले में बात करना ही फजूल है। अनी कब समझेगी है? ये मत समझना कि फाखिर उसका शौहर है तो वो कुछ भी करती फिरेगी। उसका बाप अभी जिंदा है, मैं अपनी इज्जत को ऐसे खाक में नहीं मिलने दूंगा। समझ आ गई है ये बात? आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं? फाखिर उसका शौहर है और उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं उसकी, वही लेगा फैसले तमाम। एनी, मुझे कॉल कर लिया।
हेलो एनी, तुमने मुझे फोन किया? हमजा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, क्या चाहते हो तुम? ये सब करने का मकसद क्या था तुम्हारा? एनी, मैं तुम मेरी बात का जवाब दो पहले। क्या चाहते हो तुम मुझसे? एक तो तुम स्कूल में बहाने से मेरे पास आए मुझसे बात करने के लिए। मैंने तुम्हारी सारी पीछे की बातें बुलाकर तुम्हें चांस दिया कि हाँ, मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। तुम हमारी ये पिक्चर लेके मेरी कजन को भेज दो। इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो, मेरा घर उजाड़ना चाहते हो तुम? एक मिनट, एनी, कौन सी फोटोग्राफ, किस फोटोग्राफ की बात कर रही हो तुम? और कौन सी कजन? मैं तुम्हारी किसी कजन को नहीं जानता। मेरी कजन एमन, जिसको तुम पढ़ाने जाते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो तुम उसको? क्या एमन तुम्हारी कजन है? मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन खुदा के वास्ते जितनी मेरी जिंदगी मुश्किल है ना, उससे ज्यादा उसको मुश्किल मत करो। एनी एनी एनी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में किसी ने गलत बात बोली है। और मैं तो जानता भी नहीं था कि एमन तुम्हारी कजन है यार। और जिसने भी ये बातें बोली है, सब कुछ झूठ है यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमजा, जो तुम खेल मेरे साथ खेल रहे हो ना, मत खेलो। यानी किन चीजों का बदला ले रहे हो तुम मुझसे, लेकिन अब मेरी बात कान खोल के सुनो। जितना दूर रहो ना उतना बेहतर। अब मुझे कॉल करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और स्कूल में मेरे पास करीब आने की भी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम कोशिश करना। इन सारी हरकतों की वजह से तुम्हारी मेरी जिंदगी दांव पे लग सकती है, समझ आई तुम्हें? एनी एनी, हेलो 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 एनी, फराज साहब कहाँ रह गए? फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। वैसे तो कभी नहीं जाते, पूरी रात गुजर गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वो फराज आपके साथ है, मेरा फोन नहीं उठा रहे। क्या आपसे मिलने ही नहीं आए? लेकिन वो तो कल सुबह से गए हुए, पूरी रात गुजर गई, ना कोई फोन उठा रहे ना बात कर रहे हैं मुझसे, पता नहीं कहाँ चले गए। जी जी, मैं तो मिला रही हूँ कब से फोन उनको। जी आप जरा पता करें आसपास, मुझे भी बता दीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। जी भाई जी, अल्लाह हाफिज। देख ली अपनी बेटी की परवरिश, डाल दी ना उसने सर पर खाक। हाँ तो बाप होने के नाते आप कर लेते अपनी बेटी की परवरिश? तुमने अगर उसे इतनी ढील ना दी होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। तुमने सर पे चढ़ा के रखा उसे। बेटियों का किरदार माए बनाती जिसमें तुम नाकाम रही। तो कह तो रही हूं कर लेते ना अपनी बेटी की परवरिश। ठीक है ना, आपको कहां फुर्सत थी अपनी दूसरी बीवी के नखरे उठाने से, तो आप तो ये बात रह नहीं थे। चार दिन अपनी माँ के पास रहकर आ गए तो बहुत जबान लग गई है तुम्हें। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर? हिम्मत मुझे मेरी बेटी ने दी, काश ये हिम्मत पहले आ जाती तो जिंदगी इतनी मुश्किल में ना गुजार रही होती। ये मत समझना कि फाखिर उसका शौहर है तो वो कुछ भी करती फिरेगी। उसका बाप अभी जिंदा है, मैं अपनी इज्जत को ऐसे खाक में नहीं मिलने दूंगा। समझ आ गई है ये बात? आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं? फाखिर उसका शौहर है और उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं उसकी, वही लेगा फैसले तमाम। आप जैसे पहले इन्हीं के मामलात से दूर रहते थे ना, वैसे ही रही है तो अच्छा होगा।
वैसे मुझे खुशी भी और हैरत भी कि तुमने मुझे मिलने बुलाया। कहो क्या बात करनी है तुम्हें? एमन, तुम एनी की कजन हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मैंने कभी जरूरी नहीं समझा, मैं क्यों बताऊं अपनी कजन के बारे में तुम्हें? तुम तो वैसे भी उसे नहीं जानते। मैं एनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये बात तुम भी जानती हो। अनजान मत बनो मेरे सामने। और ये तस्वीर वाला कौन सा मामला है? तुम्हारे पास हमारी कौन सी तस्वीर है? मुझे क्या पता तुम किस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हो। मेरे पास तुम दोनों की कोई तस्वीर नहीं है। अगर तुम्हारे पास हमारी कोई तस्वीर नहीं है तो फिर एनी कौन सी तस्वीर के बारे में बात कर रही थी? अच्छा, तो एनी ने तुम्हें फोन किया था? देखो हमजा, एनी को शुरू से शौक है ड्रामे करने का। ये भी उसका कोई ड्रामा होगा। तुमसे बात करना चाहती होगी जब भी उसने ऐसी कोई बात कह दी। मैं एनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ एमन, वो ऐसी लड़की नहीं है। कुछ तो ज़रूर हुआ है वरना वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करती। एनी वही लड़की है ना जिससे तुम मोहब्बत करते हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं भी एनी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत फजूल लड़की है वो, तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही है। शादीशुदा होके भी तुम्हारे चक्कर में फंसी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है एनी, ऐसी लड़की नहीं है। तुम बहुत गलत सोच रहे हो एनी के बारे में। उसने तो कभी मेरे से सही से बात तक नहीं की। उसने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। उसकी सोच कुछ और है, उसका मकसद कुछ और। ये तो एक तरफा मोहब्बत थी जो कि सिर्फ मैंने की। एक तरफा मोहब्बत? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी केयर करती हूँ। एनी एक फजूल लड़की है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई एनी की फजूल तारीफ करता है। देखो हमजा, एनी तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है, भूल जाओ उसे। एमन, तुमने तो मेरे सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया। अब मुझे पता लगा कि एनी बिल्कुल सही कह रही थी। और एमन प्लीज, मैं तुमसे अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी वजह से एनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है। आप भी ऐसी बातें कर रही हैं? मुझे तो था कि आप एनी को समझेंगी। और ये सब झूठ है, सारा इल्जाम है, मुझे पता है इस चीज के बारे में। मुझे था आप हमारा साथ देंगी, लेकिन आप उनके साथ खड़ी भी हैं। कोई लड़का किसी लड़की के पीछे इस तरह नहीं आता जब तक लड़की की तरफ से कोई इशारा ना मिले, समझे? तो इस तरह एनी पर अंधा एतबार भी मत करो। मैं जानता हूँ एनी को, और मैं उस लड़के को भी जानता हूँ। वो खुद एनी के पीछे बड़ा हुआ बिला वजह। एनी तो उसकी तरफ देखती भी नहीं, ना उससे बात करना चाहती। अच्छा, इतनी आजिज आई है, बात तक नहीं करती है। तस्वीर में क्या कर रही थी? पास खड़ी भी थी, बात भी कर रही थी। और ये लड़का तो घर तक आ चुका है, वो कैसे हुआ भाई? देखो फाखिर, कई दफा जो चीजें नजर आ रही होती है ना, वो वैसी होती नहीं है। हकीकत कुछ और होती है। आंखें खोलो अपनी, अंधों की तरह ना बैठे रहो। मुझे सब नजर आ रहा है और बहुत जल्द आपको भी आ जाएगा। हद होती है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ हमारे घर में। तो अम्मा, फिर एनी को ऑल गर्ल्स स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? मैं भी तो को एजुकेशन में पढ़ता आया हूँ, मुझ पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। और ऑब्वियसली स्कूल है, सब बात करते हैं आपस में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर बात पे शक करना शुरू हो जाओ।
अच्छा बस करो, मुझे ज्यादा सिखाने की कोशिश ना करो, सब जानती हूँ मैं। इतनी बातें सुननी पड़ी है मुझे? इज्जत का मामला है भाई। हमारी इज्जत भी इतनी कोई नाजुक नहीं है, सिर्फ एक गलत फहमी के ऊपर आप लोगों ने। अच्छा तो इसका मतलब है तुम लोग अपनी मनमानी करते रहोगे और जो मैं कह रही हूँ वो नहीं सुनोगे, उसको अहमियत ही नहीं दोगे। अम्मा आप मुझे भरोसा रखेंगी? आप क्यों बिला वजह फिक्र कर रही हैं? मैं और एनी सारा मामला देख लेंगे, आपस परेशान ना हो। जब कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा ना फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रहिंदा? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। हाँ जी जी जी, चलिए आई सन। क्या मतलब शौहर के बेटे? मेरे हस्बैंड की पहली बीवी से बच्चे हैं ना उनके, उनकी छोटी बेटी है ये। रुको, फायजा नाम है इसका। अरे राहिला क्या हो गया तुम्हें, तो बहुत छोटी है। उनकी दूसरी बेटी से थोड़ी सी बड़ी थी, हमने अभी उसकी भी शादी की, इसमें क्या मसला है? तो अब इतनी छोटी नन्नी मुन्नी बच्ची के लिए मैं नन्ने मुन्ने लड़कों के रिश्ते कहाँ से लाऊंगी? तुमसे किसने कहा है कि नन्ने मुन्ने बच्चों के रिश्ते चाहिए हमें? हम चाहते हैं कोई सेटल लड़का हो, अच्छा खाता कमाता हो, मेच्योर हो, ताकि संभाल तो सके ना उसको। खुद मेच्योर होगा तो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होगा। ऐसा लड़का चाहिए जो इसको संभाल सके क्योंकि ये छोटी है। हाँ मेरे हस्बैंड और मैं चाहते हैं कि बस ये जिम्मेदारी हमारे सर से चल उतर जाए। इतना एज डिफरेंस होगा तो तुम मुझे खुद बताओ कि कैसे गुजारा करेगी? मेरा मसला नहीं है, खुद एडजस्ट कर लेंगे दोनों। अच्छा देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ी लिखी फैमिली के लड़के वाले इसको अपनी बहू एक्सेप्ट करेंगे, तो छोटी लड़की को। हमें किसी अच्छे खानदान में करनी भी नहीं है, छड़ा छाट लड़का भी अपना तो भी चलेगा, और शहर से बाहर हो तो और अच्छा है। बस पैसे अच्छे कमाता हो, सेटल, दैट्स इट। इनकी तारीफ? रिश्तेदार है मेरी समीना भाभी, आप भूल गई हैं शायद, मैं भी इसी घर में रहती हूँ, मेरे भी मेहमान आ सकते हैं। आप प्लीज़ किसी बच्ची को चाय का बोल दीजिएगा, मेहमान की थोड़ी मेहमान नवाजी हो जाएगी। और समीना भाभी आप आइंदा से नॉक करके आइएगा। अगली बार अगर अपने मेहमानों को घर पे बुलाना हो तो पहले से बता देना, ताकि ठीक से तवाज़ा तो कर सकें। कौन थी तुम्हारी सौतन है? अच्छा सुनो, ये काम तुमने जल्द से जल्द करना है, अर्जेंट है। या अल्लाह, इतना शदीद सर में दर्द है, किसी तरह से ठीक ही नहीं हो रहा, तबीयत संभाली नहीं रही, सीने में अजीब सी घुटन सी है, सांस लेने मुश्किल हो रही है। अम्मा आपका ब्लड प्रेशर भी तो कितना हाई था, अभी तो दवाई ली है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा, परेशान ना। अम्मा मुझे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। या अल्लाह, ये फिर आ गए मेरी जान खाने। अम्मा ऐसा तो मत बोले, मैं बेटी हूँ आपकी, आराम से बात करो। अम्मा का ब्लड प्रेशर फाइनल बहुत हाई, जो कुछ इस घर में चल रहा है ना, अम्मा का बीपी हाई होना बनता है, सब परेशान करते रहते हैं हर वक्त अम्मा को, किसी को फिक्र नहीं है आपकी। अच्छा आप आराम करें, आपको ज़रूरत है आराम की। साइका फराज भाई कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रहे, कल भी नहीं थे घर पे, आज भी गायब है।
ऑफिस में काफ़ी काम आया हुआ है, देर से ही आते हैं। हबीब और फाखिर के तो झगड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो फराज साहब भी सारा काम संभाल रहो। मैं अम्मा के लिए चाय बना के ले आती हूँ, शायद दर्द थोड़ा बेहतर हो जाए। अच्छा, मेरे लिए भी ले आना। हाँ ठीक है। मैं महा तबागत। अरे नहीं लता, बस ठीक है, छोड़ दो ना मुझे। अरे फहमी अपा, आप, मुझे लग रहा था आप आ जाएंगी। मैं अम्मा से मिलने के लिए आई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है और थोड़ा बीपी भी हाई हो रहा है। मैंने सोचा उनके लिए चाय बना दूँ। दो दो बहू हैं उनकी, लेकिन किसी को ख्याल नहीं। मैं बेटी हूँ, मैं तो ख्याल करूँगी ना। अरे आप अपने लिए चाय निकालें, अम्मा के लिए मैं बना देती हूँ। आप ले लीजिए वो चाय, मैं बनाती हूँ ना, आपकी तकलीफ कर रही। बैठे बैठे आराम से मैं कर रही हूँ। वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो जितना आयशा तुम्हारे बारे में बताती है। सौतनी कम सौतनों के बारे में कुछ अच्छा बताती है। एक मैं ही हूं जो उसके बारे में बुरा नहीं सोचती ना बुरा कुछ कहती। वैसे एक बात बताऊं फहमी अब्बा, आपने जो एनी के साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया। आप खुद देखे ना, जिस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, अपने शौहर की इज्जत का मान नहीं है, वो क्या करेगी। आपने तो सही फैसला करके बचा लिया इस घर की इज्जत को। वैसे फाखिर हमारा बहुत ही सीधा साधा है, चीजें समझता ही नहीं है। अब आपको ही इस घर की इज्जत बचाने के लिए कोई फैसला लेना पड़ेगा। हबीब तो हमेशा आपकी और सायका आपी की इतनी तारीफ करते हैं, पर अफसोस की बात है इतनी बड़ी खबर लेकर आई आप, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में आपको और सायका आप ही को ही इन लोगों पर नजर रखनी पड़ेगी। अब हम क्यों रखेंगे नजर, उनकी माँ है ना उन पर नजर रखने के लिए। माँ उन्हें नजर रखनी होती ना तो ये दिन ना देख रहे होते हम। आयशा और समीना भाभी तो सिर्फ घर में अपनी राजधानी बनाने में लगे हुए। मुझे तो लगता है आपको रोज यहाँ आना चाहिए और इस घर पे नजर रखनी चाहिए। अब मैं चाय दे दूं अम्मा को या आप देंगी? नहीं मैं नहीं चाहती हूँ। खेलिए, मैं थोड़ा काम में देख लेती। हाँ छोड़।